सीधे तौर पे कहता हूँ कि इस पर मैं ये कह दूं कि मैं पॉलिटिकल इस पर माइलेज लेना चाहता हूँ नहीं। ये एक बहुत गंभीर मसला है, क्योंकि संसद देश की छवि है, देश के सरोकार यहाँ रिफ्लेक्ट होते हैं। उसके बारे में मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो चाक चौबंद व्यवस्था होनी चाहिए थी उसका अभाव दिखा। मैं आपको एक छोटी घटना बताऊंगा। जिस दिन वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हो रहा था, जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। मैंने उसी दिन कहा था कहीं कल को कोई आदमी विजिटर पास लेके आए, मुर्दाबाद के नारे लगाए या कुछ फेंक दे, आज वही हो गया ना। तो सिक्योरिटी को लेकर के जो एक कॉम्प्रिहेंसिव नजरिया होना चाहिए, पीस मील नहीं, वो उस नजरिए का अभाव है। और ये बिल्डिंग खास तौर पे, क्योंकि मैं 5 बरस इस बिल्डिंग में रहा हूँ, ये बिल्डिंग मुझे वल्नरेबल दिखती है सिक्योरिटी के लिहाज से। यहाँ के एंट्रेंस, यहाँ का जो जितना भी एक प्रणालीगत चीजें होनी चाहिए थी, उसका मुझे यहाँ अभाव दिखता है। आप लोगों ने वोकल्स किया है, किस डिमांड को लेकर? देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने और तमाम लोगों ने कहा कि इस पे कोई स्टेटमेंट तो आए सरकार की ओर से। एक गृह राज्य मंत्री बैठे हुए थे, उनकी ओर से भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया। आप लेजिस्लेटिव बिजनेस ले रहे हैं, लेकिन जब आज के दिन, खास करके बरसी के दिन शहीद दिवस की, उस दिन अगर इस प्रकार की घटना होती है तो वह हमें चुनौती दी जा रही है। तो एक स्टेटमेंट आना चाहिए था। पता नहीं सरकार को क्यों बड़ी बड़ी बात सीना ठोक के यूं बड़ी बड़ी बात करते हैं आप सदन के अंदर, और आपकी कार्यशैली में नहीं दिखता है, ये अफसोस है। पास और पासवर्ड दो ऐसे चीज हैं जिसके ऊपर बवाल मचा हुआ है। पासवर्ड शेयर करने पर महुआ जी की सदस्यता गई, अब पास, मैं तो बता रहा हूँ, अगर अतिरेक में कुछ ना हो पासवर्ड पर शेयर करने में, तो मंत्रिमंडल में कोई नहीं बचेगा। मैं सबकी हकीकत जानता हूँ। मैं सीधे तौर पर कहता हूँ, एक्सट्रीम स्टेप मत लो, सिस्टम को चाक चौबंद बनाओ। अब आप विजिटर्स को आने नहीं दोगे, ये थोड़ी ही होना चाहिए हमारा रिएक्शन। हमारा रिएक्शन होना चाहिए, तो मुझे पता चला है कि वो जूते के अंदर गया था, हमारे सिक्योरिटी सिस्टम को वो कैसे सरकमवेट कर गया, ये महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन चक्कर क्या है ना कि इन सवालों में भी ये राजनीतिक दृष्टिकोण से उसको खारिज करने की कोशिश करते हैं।